Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everyone of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 32 for class 10th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है अबाउट द ब्रेन एंड द डिफरेंट डिवीजंस ऑफ ब्रेन, जिसमें हम लोगों ने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की बात की है. हम लोग जैसा कि मैंने आपको शुरू से बता रही हूँ कि जब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को पढ़े हैं तो हम उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टडी कर रहे हैं, जिनके बारे में पहले हम लोग समराइज कर चुके हैं. थोड़ा थोड़ा हम उनके बारे में इंट्रोडक्शन के बात कर चुके हैं और अब हम लोग डिटेल वाइज दोनों तरह के कोऑर्डिनेशन को स्टडी कर रहे हैं. सो नाउ डेज वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्सिस इन्वॉल्व हैं. नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सबसे पहले हमारा फोकस था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन के बारे में प्रीवियस थ्री वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन और उसके डिफरेंट फंक्शंस, जो उसके डिफरेंट रोल्स हैं, उनके बारे में बात की है. आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में बात करेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व हैं. ब्रेन जो है वो हायर कंट्रोल सेंटर है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है, दैट इज़ फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, वो पहले ब्रेन तक कन्वे होती है और ब्रेन आगे से जिस तरह का उसके हिसाब से एक्शन लेना है उस तरह का मैसेज कन्वे कर देता है. टॉकिंग अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये वो हिस्सा है हमारी बॉडी का जो कि कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन को हमारी बाकी के बॉडी पार्ट से. ये भी एक बहुत डेलिकेट ऑर्गेन है हमारी बॉडी का, जिसको हमारी बॉडी ने कुदरती तौर पे डिफरेंट मेथड से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ आवर बॉडी, दैट मींस इन आवर हेड. और ब्रेन को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाता है, थ्रू द स्कल, यानी कि क्रेनियम से. और उसके अंदर मैनिंग्स की लेयर्स होती हैं जो कि ब्रेन को कुशन अप करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम इंजरी, फ्रॉम सडन ट्रामा. इसी तरह से अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को भी हमारे बॉडी में प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी सडन जर्क, सडन मूवमेंट स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज ना कर सके. स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो ये भी बहुत सारे फंक्शंस रोल प्ले करता है. ये भी बहुत सारे मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करता है और बहुत सारे चीज़ों को, चीज़ें इसके कंट्रोल में भी हैं. स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करते हैं, एक्चुअली ये इसके बारे में, अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखना चाहते हैं, इसके बारे में आप समझना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि इट इज़ अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स. ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब की शक्ल में है. बंडल मतलब कि एक ग्रुप है नर्व्स का. तो जब मुख्तलिफ नर्व्स ग्रुप की शक्ल में, ट्यूब की शक्ल में बंडल बना देती हैं, दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जस्ट एक सिंपल नर्व्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं जो कि ये प्ले करती है. ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम जो कि मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, ब्रेन स्टेम का मतलब है मिड ब्रेन. और हाइंड ब्रेन के दो पार्ट्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं, इसीलिए इनको ब्रेन स्टेम कहा जाता है. तो स्पाइनल कॉर्ड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड करती है टू द लोअर बैक, हमारी बॉडी के लोअर बैक तक ये एक्सटेंड करती है. हम लोग जब अगर बात करते हैं पोजिशनिंग की, तो जो ब्रेन है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप पोजिशन ऑफ आवर बॉडी, इट मीन्स इन द हेड. और अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, यानी ब्रेन से ये स्टार्ट होती है और कंटिन्यूड रहती है टूवर्ड्स आवर लोअर बैक. जैसे कि हमने देखा था कि ब्रेन को क्रेनियम से प्रोटेक्ट किया जाता है और उसके अलावा वहाँ पे डिफरेंट थ्री लेयर्स हैं मैनिंग्स की, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं. इन द सेम वे अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड भी एक डेलिकेट ऑर्गेन है जिसको प्रोटेक्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. अगर स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाए तो बॉडी की बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं, वो स्टॉप भी हो सकती हैं. सो अगर हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो वर्टिब्रल कॉलम इज़ प्रेजेंट. वर्टिब्रल कॉलम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी टाइनी बोन्स, 33 टाइनी बोन्स, जिन्हें हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं, जो हमारी बैकबोन, जिसे हम लोग आम अल्फाज में कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस वर्टिब्रल कॉलम. बैकबोन के अंदर बिल्कुल सेंटर में, दरमियान में एक
स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, और ना सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम अलोंग विद इट मेनिंग्स, वही लेयर्स, वही लिक्विड की लेयर्स जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही थी, ब्रेन को कुशन अप कर रही थी, वही लेयर्स यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम सडन इंजरी, फ्रॉम सडन जर्क्स, फ्रॉम एनी डैमेज। अब अगर बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में हम लोगों ने सेरिब्रम में देखा था कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसकी जो टॉप लेयर है वो ग्रे मैटर की बनी होती है, और जो बॉटम लेयर है वो टॉप लेयर से बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है वाइट मैटर। इसी तरह अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर रीजन है इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर जिसके अंदर माइलिनेटेड, ये जो आउटर रीजन है ये स्पाइनल कॉर्ड का कुछ इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड की शेप होती है। तो ये जो आउटर रीजन है इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर, वाइट मैटर मैंने आपको बताया था इट इज़ मेड अप ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, यानी कि वो एक्सॉन्स जिनके ऊपर शॉन सेल्स प्रेजेंट हैं, फैटी लेयर प्रेजेंट है, उनका जो पूरा बंडल बन जाता है वो वाइट मैटर कहलाता है। जबकि जो सेंट्रल रीजन है वो बटरफ्लाई की शेप का होता है, और वो सेंट्रल कैनाल यहाँ से गुजर रही है स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कॉर्ड को सराउंड किए हुए है, और ये जो सेंट्रल रीजन है ये आउटर रीजन जो है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ द वाइट मैटर, जबकि ये जो सेंट्रल रीजन है बटरफ्लाई की शेप का होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, और ये ग्रे मैटर ने सराउंड किया हुआ है सेंट्रल कैनाल को। सबसे पहले आउटर साइड पे है वाइट मैटर जिसने सराउंड किया है ग्रे मैटर को, और देन ग्रे मैटर इट सराउंड्स दिस सेंट्रल कैनाल। अब अगर हम लोग बात करते हैं नर्व्स की, तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब आप अपने बैकबोन के बारे में देखते हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग कह रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से 33 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दे अराइज, अराइज मीन्स वर्टिब्रल कॉलम से बाहर निकलती हैं और पूरी बॉडी में एक्सटेंड होती हैं, पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करती हैं, मैसेज लेके आती हैं और जाती हैं टूवर्ड्स दिस, टूवर्ड्स द होल बॉडी। ये जो मुख्तलिफ नर्व्स हैं जिन्हें हम लोग स्पाइनल नर्व्स का नाम देते हैं, दे आर मिक्स नर्व्स जिनके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों तरह के न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। सो वी कैन से हेयर द स्पाइनल नर्व्स आर एक्चुअली द मिक्सड नर्व्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोटर नर्व्स एज वेल एज मिक्स न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। तो इसीलिए क्योंकि इनके अंदर इनका काम क्या है, मैसेज को कन्वे करना, मैसेज को कोऑर्डिनेट करना बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन, तो इसीलिए यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन भी प्रेजेंट होंगे, मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होगा कि वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से लेके आएंगे और स्पाइनल कॉर्ड में ले एंटर होंगे, और स्पाइनल कॉर्ड की तरह जब ब्रेन की तरफ से कोई भी मैसेज आ रहा होगा वो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ जब बॉडी में जाएगा तो जाएगा किस तरह से थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स, तो आगे जाके जो कि अफेक्टर्स तक पहुंचते हैं। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि ये नर्व्स जो हैं दोनों तरह के न्यूरॉन्स से बनी होती हैं, इसीलिए इनको मिक्स नर्व्स का नाम दिया जाता है। सो एट द पॉइंट वेयर द स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे टू रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो दोनों रूट्स हैं दे यूनाइट एंड फॉर्म वन मिक्स स्पाइनल नर्व। I'll show it to you through the diagram. So when we look into the structure of the spinal cord, so yahan pe hai hamare paas this outer matter is the white matter, jabki yahan pe this inner matter, this is the gray matter, it consists of non-myelinated axons, and this outer matter is the white matter, it consists of myelinated axons. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं nerves जो arise होती हैं, तो there are two nerves that are arising, two pair of nerves, one pair of nerve and second pair of nerve. तो पूरे स्पाइनल कॉर्ड में 33 पेयर्स ऑफ मिक्स्ड नर्व्स या फिर स्पाइनल नर्व्स आर अराइजिंग। सो यहाँ पे अगर हम लोग इन नर्व्स को देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो देयर आर टू रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व, फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट। सो बोथ रूट्स दे यूनाइट एंड फॉर्म वन मिक्स्ड स्पाइनल नर्व, ये दोनों मिल के जब यहाँ पे फर्दर यहाँ से निकलती हैं, सो दे मिक्स विद ईच अदर और एक मिक्स्ड नर्व बना देंगी। जो डॉर्जल रूट है यानी कि दिस वन द डॉर्जल रूट, इट कंटेन्स सेंसरी एक्सॉन एंड अ गैंग्लियन
where cell bodies are located. यहाँ पे डॉर्सल रूट में सेंसरी एक्जोन्स प्रेजेंट हैं, गैंग्लियन यहाँ पे एक यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि जहाँ पे सेल बॉडीज लोकेटेड होती हैं, जबकि जो वेंट्रल रूट है इट कंटेन्स एक्जोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स. इसका मतलब क्या हुआ कि दिस जो डॉर्सल वन है अपर साइड पे है, इसके अंदर कौन से हैं? सेंसरी. जबकि जो वेंट्रल नर्व है इसके अंदर कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं? मोटर न्यूरॉन्स. तो इसीलिए जब ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिलती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ अ मिक्स्ड नर्व. और जब हम लोग बात करते हैं डॉर्सल रूट की तो इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एक्जॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्जॉन्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में एक गैंग्लियन प्रेजेंट है जिसके अंदर सेल बॉडीज लोकेट होती हैं. जबकि अगर वेंट्रल रूट की बात करते हैं तो इट कंटेन्स एक्जॉन्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स. स्पाइनल कॉर्ड जो है एक्चुअली इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है. स्पाइनल कॉर्ड इट परफॉर्म्स टू मेन फंक्शन. अगर हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है. इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन. बॉडी पार्ट और ब्रेन को एक दूसरे के साथ लिंक करती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है. जो भी मैसेजेस बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ जाने होते हैं दे गो थ्रू द ब्रेन, और जो भी मैसेजेस ब्रेन से बॉडी दे गो थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, और जो भी मैसेजेस ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में जाने हैं दे ऑल्सो पास थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. जो स्पाइनल कॉर्ड है इट ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स. तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है कि ये लिंक कर रही है ब्रेन और बॉडी पार्ट को एक दूसरे के साथ. जो भी मैसेजेस हैं, जो भी नर्व इम्पल्सेज आती हैं, पहले स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगी और स्पाइनल कॉर्ड उनको आगे ट्रांसमिट कर देती है ब्रेन की तरफ, और ब्रेन की तरफ से भी जो भी जवाबी इम्पल्सेज आती हैं, जो कि रिस्पॉन्स के लिए आती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहले पहुँचती हैं और स्पाइनल कॉर्ड फिर आगे उनको ट्रांसमिट कर देती है टू द रेलिवेंट बॉडी पार्ट. इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो एक्ट एज एन कोऑर्डिनेटर जो बहुत सारे सिंपल रिफ्लेक्सेस को चलाने में, उनको काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो दिस वाज माय वीडियो अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड टुडे, जिसमें हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करते हैं इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम लोग ग्रे और वाइट मैटर की बात करते हैं, ब्रेन में जो टॉप लेयर थी, जो आउटर लेयर थी, दैट वॉज मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर, और जो इनर लेयर थी दैट वॉज मेड अप ऑफ वाइट मैटर. जबकि इट इज़ ऑपोजिट इन द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ द ग्रे मैटर. स्पाइनल कॉर्ड में पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रेजेंट इन आवर बैकबोन, जिसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. यहाँ से 33 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजेस. दिस इज़ अ स्पाइनल नर्व. वन पार्ट ऑफ द पेयर, द सेकेंड पार्ट ऑफ द पेयर विल अराइज फ्रॉम हेयर. तो इसी तरह 33 पेयर्स यानी टोटली 66 नर्व्स अराइज होती हैं, और दे अराइज एंड दे आर मेड अप ऑफ मिक्सड नर्व्स. मिक्सड नर्व्स में जो टॉर्सल नर्व होगी दैट इज मेड अप ऑफ सेंसरी, एंड द वेंट्रल नर्व इज़ मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन. तो इस तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करती है मैसेजेस को, एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे करती है. और इसको जिस तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम प्रेजेंट है, मैनिंग्स की लेयर्स प्रेजेंट हैं, सेम इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड भी एक डेलिकेट ऑर्गेन है. क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज पहुँचा तो जो लिंक है बॉडी का ब्रेन के साथ वो भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि विदाउट स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेजेस हैं वो बॉडी से ब्रेन तक नहीं जा सकते और ब्रेन से बॉडी तक नहीं जा सकते. सो इफ अ डैमेज हैपन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, सो बॉडी और ब्रेन के दरमियान का जो लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा. इट इज़ ऑल्सो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको भी प्रोटेक्ट किया जाए. सो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.